नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन दो टॉप क्लास कंपनीज के अंदर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब की बात करने जा रहे हैं, दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां आपको यहां पे ईमेल सपोर्ट की, चैट सपोर्ट की जॉब प्रोवाइड करने वाली। मतलब यहां पे आपको लाइफ लॉन्ग घर बैठ के ईमेल पे, चैट पे मोस्टली काम करना है। यहां पे तो बहुत ही प्यारा दोस्तों यहां पे आपको जॉब प्रोफाइल मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है। और दोनों कंपनियां गाइस यहां पे बहुत ही टॉप क्लास होने वाली है। एक कंपनी इनमें दोस्तों आपका होने वाला है इसप्रो, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी, मतलब ये आईटी सर्विसिंग की और आईटी कंसल्टिंग की ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी बेस्ट यहाँ पे आपको पॉक और बेनिफिट मिल रहा है, 5 डे का वर्क, 2 वीक ऑफ, फ्लेक्सिबल आपको आर मिल रहा है। और इसके अलावा आपको बहुत सारे आपको जो टॉप क्लास कंपनी में बेनिफिट मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके बाद पूरे भारत देश में आप किसी भी लोकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड कंपनी यहाँ पे दोस्तों आपकी होने वाली है पपाया ग्लोबल, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी तो नहीं दोस्तों, एक स्टार्टअप कंपनी, पर काफी अच्छा इसका भी रिव्यू है। ये दोस्तों बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है दोस्तों, तो फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सेक्टर दोनों दोस्तों एक टॉप क्लास के सेक्टर माना जाता है, जहां पे आपको बहुत बेहतर करियर ग्रोथ मिलता है, सैलरी पैकेज मिलता है, बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेसिकली बड़े बड़े एमएनसीज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये दोस्तों कंपनी होने वाली पपाया ग्लोबल, जहां पे दोस्तों अगेन आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रहा है। यहां पे भी आपको चैट ईमेल सपोर्ट का जॉब मिल रहा है, और यहां पे भी आप मिनिमम 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, सारे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बहुत ही टॉप क्लास है, लेटेस्ट ओपनिंग है। और यहां पे बेस्ट पार्ट है कि चैट प्रोसेस के अंदर काम करना है, तो अच्छे से सारे डिटेल को आप यहां पे समझ लेना, उसके बाद अप्लाई करना। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसे ही जॉब की अर्जेंट नीड है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारे ऐसे ही आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस मत करो। साथ साथ दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अपडेट अच्छी लगे, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इसप्रो कंपनी के अंदर आई ओपनिंग के बारे में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये बेसिकली इसप्रो कंपनी की बेसिकली ये जॉब की पोस्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी आईटी सर्विसिंग की और एक आईटी कंसल्टिंग कंपनी होने वाली है, जो कि दोस्तों न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी, न्यूयॉर्क की कंपनी होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छा इसका रिव्यू रहा, मैंने जो रिव्यू पढ़ा इनका ग्लासडोर पे दोस्तों एमबीसीएस बॉक्स में, तो काफी अच्छा इनका रिव्यू मिला है। अब गाइस देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोफाइल आपको मिल रहा है, ये बेसिकली आपको होने वाला है क्लाइंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के अंदर। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कस्टमर सपोर्ट के अंदर काम करने वाले, लेकिन आप यहाँ पे टेक्निकल प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे होंगे, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब गाइस देखो यहाँ पे सैलरी पैकेज तो ऑल दो यहाँ पे दोनों कंपनी को भी मेंशन नहीं करा है, पर यहाँ पे दोस्तों दोनों ही कंपनियों में जो सैलरी पैकेज है उसके बारे में सेकंड तो आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको आराम से दोस्तों 25-30 हज़ार रुपये से ऊपर सैलरी पैकेज मिलने वाली है। जो मैंने दोस्तों रिव्यू पढ़ा वहाँ पे एक लमसम सैलरी थी, तो आपको आराम से 25-30 हज़ार रुपये से मिनिमम सैलरी पैकेज आपको 25-30 मिलने वाली है, जिसके ऊपर आपको 35-40-45 तक मिल सकती है। ज़्यादा सैलरी बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, पर रियलिटी ये गाइस बड़ी कंपनियाँ सैलरी पैकेज अच्छी देती है। अब गाइस देखो यहाँ पे जॉब रोल की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्टिंग अपॉन क्लाइंट सपोर्ट रिक्वेस्ट बाई ईमेल एंड रेयरली वेब मीटिंग। मतलब मेजरली दोस्तों यहाँ पे कस्टमर के आपको जो भी क्वायरी आ रही है, जो भी सपोर्ट आ रहा है, उस पर आपको काम करना है मेजरली ईमेल पे, और बहुत कम आपको यहाँ पे मीटिंग्स देना है, तो आप बोल सकते हैं कि ईमेल सपोर्ट का काम है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग अप विद द प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड डेवलपमेंट टीम एंड लाइजिंग विद द क्लाइंट वंस दे आर रिजॉल्व। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको साथ साथ फॉलोअप करना है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, डेवलपमेंट टीम के साथ, और साथ साथ जैसे ही कस्टमर क्वारी सॉल्व हो जा रहा है एक बार आपको दोबारा ऐसे फॉलोअप करना, मतलब आपको मेक श्योर करना है कि इस कस्टमर की क्वारी बिल्कुल सॉल्व हो जा रही है, ये दोस्तों आपका काम है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निकल सपोर्ट रिक्वेस्ट रेज बाई यूजर्स ऑफ एन रिलेटेड टू द मैसेजिंग APIs एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द आवर क्लाइंट। तो अगेन दोस्तों जो भी कस्टमर के यहाँ पे क्वारीज रेज हो रहे हैं, आपको यहाँ पे उसके उस पर वर्क करना, उस पर काम करना है, और साथ साथ दोस्तों आपको मेक श्योर करना है कि वो क्वायरी सॉल्व हो जा रही है, मेजर दोस्तों आपको रोल यही होने वाला है। और इसके बाद अगेन क्या बोल रहे हैं, मैनेजिंग द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू क्लाइंट बाय सेटिंग अप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी इनके क्लाइंट है, उनके जो भी यहाँ पे जो भी नया क्लाइंट आ रहा है, उनका ऑनबोर्डिंग करवाना, साथ साथ उनको जो भी सपोर्ट देना है, वो सारा सपोर्ट आपको यहाँ पे ईमेल के थ्रू करना है। ये दोस्तों यहाँ पे मेजर देखो आपको काम होने, इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो यही काम आपको होने वाला है, कस्टमर की क्वायरी को सॉल्व करना है, फीडबैक्स देना है, ये सारा दोस्तों मेजर यहाँ पे आपका काम और जॉब रोल होने वाला, और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर है और क्या यहाँ पे स्किल रिक्वायर, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपर इंटरमीडिएट, मतलब मिनिमम दोस्तों आप 12वीं पास है उसके ऊपर सारे एलिजिबल होने वाले हैं।
इंग्लिश में आपका राइटिंग स्किल और इंक्लूडिंग ईमेल एटिकेट्स, मतलब आपको मेजरली दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश का राइटिंग स्किल और आपका ईमेल का जो एटिकेट है, क्योंकि आपका मेजर काम यहाँ पे ईमेल के ही ऊपर होने वाला है, तो आपको ईमेल पे प्रॉपर तरीके से बात करना, लोगों को रिवर्ट करना, ईमेल को यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्निकल डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स यूज केसेस एंड वर्क फ्लो। तो बेसिकली आपको दोस्तों जो भी टेक्निकल डिटेल्स है उसको आपको अच्छे समझना आना चाहिए, उसको आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। इसके बाद क्या बोले, टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्लूडिंग विंडो एपीआई मैसेज, मतलब आपको यहाँ पे विंडो का नॉलेज अच्छे से हो, एपीआई के जो मैसेजिंग होते हैं वो उसके बारे में आपको नॉलेज हो, कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मैसेज होते काम करते हैं। और ऑल दो गाइज यहाँ पे देखो आपको सारी ट्रेनिंग मिलेगी काम की, पर बेसिक नॉलेज आपको रहेगा तो थोड़ा सा कंपनी को भी यहाँ पे आसानी मिल जाती है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये दोस्तों नॉर्मल चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेट चीज़ को आसानी से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्या बोल रहे हैं, अगर आपने पहले कस्टमर सपोर्ट में काम करा है तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रिफरेंस मिलेगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस विद द फिक्स प्रोटोकॉल, ये दोस्तों। और इसके बाद सो दोस्तों ये सारा यहाँ पे आपका डिटेल होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, जिसके बाद आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ पे बेसिकली आपका होने वाला है बेनिफिट, जो भी आप काम कर रहे हो तो ये सारा पॉक का बेनिफिट है। तो ये दोस्तों सारा डिटेल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई करेंगे, आप सीधे दोस्तों इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको नीचे आना, जैसे नीचे पाएंगे यहाँ पे सारा डिटेल पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे कैसे इंटरव्यू होगा, क्या प्रोसेस, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे आके दोस्तों आप इस पेज पे अगेन आ जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली आपको अप्लाई करना है। यहाँ दोस्तों बोल रहे हैं आपको डालना आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, आपको डालना हाइपरलिंक, यहाँ पे डाल सकते हैं लिंक्डइन का, और यहाँ दोस्तों एम्प्लॉयर और एजुकेशन डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। बहुत नॉर्मल दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड जॉब अपडेट की तरफ, जो कि यहाँ पे होने वाला है पपाया ग्लोबल कंपनी के अंदर। अब गाइज देखो ये भी देख सकते हैं, ये गाइज अगेन एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी दोस्तों, जो कि अगेन ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी मिलने वाले रिव्यू। बेस्ट पार्ट दोस्तों ये कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनियाँ होती है वो काफ़ी बेटर, जैसे आप केपीएमजी देख सकते हैं, ऐसे सारे कंपनी जो है वो सारे बहुत ही अच्छी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रोफाइल आपको मिल रहा है ये बेसिकली आपका होने वाला है कंज्यूमर ऑपरेशंस स्किल्स स्पेशलिस्ट के अंदर। ये गाइस अगेन दोस्तों 20 घंटे पहले है, बिल्कुल लेटेस्ट बनी होने वाली है। ये दोस्तों बेसिकली आपका हाइब्रिड मॉडल जॉब है, मतलब यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल रहा है, आपको ऑफिस जॉब मिल रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप क्या बोल रहे हैं नीचे आप आएंगे तो बोल रहे हैं यू नीड टू बी बेस्ड इन बैंगलोर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैंगलोर के आसपास के एरिया से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए गाइस मैंने दो जॉब रखा ताकि आप जो भी बैंगलोर के नियर बाई के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दो गाइज ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो आप बैंगलोर के अलावा किसी और भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, पर इन केस फ्यूचर में कभी आपको बुलाते हैं बैंगलोर तो आप देखो पैन इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको एक झूठ बोलना पड़ सकता है अगर आप राजी हैं तो, कि आप बैंगलोर में आने को राजी, या फिर आप जा सकते हैं बैंगलोर तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइज देखो यहाँ पे जॉब रोल की बात करें तो अगेन दोस्तों डिटेल में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू क्लाइंट एंड देयर वर्कर्स विया ईमेल, असिस्टिंग देम विद टायर वन क्वेश्चन एंड इंक्वायरी। अगेन दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी क्लाइंट है इन कंपनी के पपाया ग्लोबल का, उनके क्वायरी को सॉल्व कर रहा है ईमेल के ऊपर, ये आपका काम बेसिकली होने वाला मेजर यहाँ पे। इसके बाद क्या बोले, सपोर्ट द कस्टमर सक्सेस टीम बाय क्रिएटिंग कॉस्ट एस्टिमेट फॉर क्लाइंट एज नीडेड। अगेन दोस्तों यहाँ पे आप फिनांस के अंदर काम करना तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट का आपका रिफंड का ये सारा काम तो आपका ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ पे आपको अगेन दोस्तों जो भी इनके टीम है कस्टमर सक्सेस की उसको भी आपको हेल्प करना है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, असिस्ट टीम विद ऑनबोर्डिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज एज नीडेड। अगेन दोस्तों जो भी क्लाइंट है उनके ऑनबोर्डिंग को, उनको टर्मिनेशन वाला भी आपको काम करना है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वर्क विद इंटरनल डेप टू मेंटेन डेमो अकाउंट। तो अगेन दोस्तों आपको जो भी इनका इंटरनल डिपार्टमेंट है उसके साथ काम करना आपको। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्रिएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म्स, यहाँ पे जो भी फॉर्म्स है वो आपको जनरेट करना है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मेंटेन अ कस्टमर प्रोफाइल इन सीआरएम, जो भी कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल को सीआरएम पे आपको मेंटेन करना। ये सारा दोस्तों मोटा मोटा काम होगा, डिटेल में आते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ये दोस्तों समझ लो कि यहाँ पे मेजरली कस्टमर रिक्वायरी को सॉल्व करना आपको ईमेल के थ्रू, और इसके बाद उनको उनके प्रोफाइल को मेंटेन करना है, और जो भी दोस्तों सपोर्ट आप दे सकते हैं टीम को वो देना है। अब गाइस देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपका ग्रेजुएशन चाहिए डिग्री में, इसके बाद जो आपको कॉम स्किल वो स्ट्रांग चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल भी स्ट्रांग चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रांग टीम, मतलब आप एक स्ट्रांग टीम मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, वर्किंग स्किल जो आपकी वो स्ट्रांग हो, एबिलिटी टू अडॉप्ट द फास्ट पेस, जल्दी से कई चीज़ों को आप अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ये सारा आपके अंदर होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आप ये सारा बेसिक डिटेल है यहाँ पे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि रोल कुड बी फॉर वन ऑफ थ्री शिफ्ट, मतलब यहाँ पे आपको तीन शिफ्ट मिल रहे हैं, एक सुबह के 7 से 3 बजे होने वाला है, जो कि तकरीबन दोस्तों 8 घंटे की शिफ्ट होगी यहाँ पे, 5 और 8। हाँ, इसके बाद 3 PM to 11 PM का शिफ्ट मिल रहा है, और इसके बाद आपको 11 PM to 7 AM का शिफ्ट मिल रहा है, तो आपको मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट मिल रही है, तो आप जिस भी
ट्रिप के लिए कंफर्टेबल वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे, यू नीड टू बेस्ड इन लोकेशन, ऑलरेडी बात कर ली, और यहाँ पे इमीडिएट दोस्तों रिक्वायरमेंट, तो ये सारा डिटेल गाइस। और यहाँ पे भी आपको सैलरी पैकेज जो तकरीबन आपको 25-30 हज़ार रुपए से ऊपर ही मिलने वाला है, यहाँ की भी सैलरी पैकेज मुझे एक्जैक्टली नहीं मिल पाई। अब गाइस देखो ये सारा डिटेल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, सिंपली आपको इजी अप्लाई पे क्लिक करना और इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ हो जाएगा। सो दोस्तों ये थी आज की दो जॉब की अपडेट गाइस। आई होप कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ मेंशन कर दिया होगा, बट स्टिल कोई डाउट, कोई क्वारी, कोई क्वेश्चन आपका अभी भी रह गया मन में आपके, दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला, वहां पे आके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी ओपनिंग है दोनों ही, सारे अप्लाई जरूर करना। साथ साथ मैंने दोस्तों पिछले 3 से 4 दिन में मैंने बहुत ही अमेजिंग अपडेट डाले टॉप क्लास कंपनीज के अंदर, वो सारे भी दोस्तों अप्लाई जरूर करना। प्लेलिस्ट में दोस्तों इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। दोस्तों अब आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और ओपनिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।